केम छो मजा में छो। आई एम श्योर आप सब बहुत मजे में होंगे और आपकी स्नैकिंग को और मजेदार बनाने के लिए आज मैं लेके आई हूँ एक बहुत ही हेल्दी और टेस्टी रेसिपी। ये है गुजराती स्पेशल खांडवी। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं हूं आपकी शेफ एंड दोस्त सुगंधा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल आउट ऑफ पैशन पे। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। खांडवी देखने में जितनी कॉम्प्लिकेटेड है बनाने में उतनी ही आसान है। खांडवी बनाने के लिए सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में मैं ले रही हूँ ये इंग्रेडिएंट्स। एक कप बेसन, सॉल्ट टू टेस्ट, 1/4 टीस्पून ट्यूमरिक और एक कप दही। इनको अच्छे से फेंट लेंगे। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट। ये है करीब 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 हरी मिर्ची। अब इस मिक्सचर में जाएगा करीब 2 कप पानी। पानी को इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इसको अच्छी तरह फेंटेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। खांडवी का मिक्सचर बनके तैयार है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब इस मिक्सचर को एक छन्नी से छान के हम कढ़ाई में डाल लेते हैं। हम छान इसलिए रहे हैं ताकि इसमें कोई लम्स या अदरक या हरी मिर्ची का टुकड़ा ना रहे और जो खांडवी का मिक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ बने। अब इस बेसन के मिक्सचर को हम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम हीट पे पका लेंगे। करीब 2 मिनट पकाने के बाद में बेसन हल्का सा गाढ़ा होगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब हम इसको बराबर चलाते रहेंगे और स्लो फ्लेम्स पे कुक करेंगे करीब 6 से 8 मिनट के लिए। और अगर इस स्टेज पे गिठलियां बने तो आप विस्क का यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। बेसन को पकते पकते करीब 5 से 6 मिनट हो चुके हैं और ये काफी थिक हो चुका है। ये देखिए, मेक श्योर कि इसकी साइज को आप अच्छे से स्क्रेप करके इसमें मिक्स करते जाएं। बेसन को पकते पकते करीब 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो गई है। अब हम इस बेसन को स्प्रेड करेंगे स्टील की प्लेट्स पे। इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थोड़ा सा मिक्सचर लें और ऐसे करके इसको स्प्रेड करते जाएं। लेयर इवन होनी चाहिए और पतली होनी चाहिए। ये स्टेप आपको फटाफट करना है वरना आपका बेसन गाढ़ा हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2-3 प्लेट्स और लेके बेसन को फैला लीजिए। अब इन प्लेट्स को 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ दीजिए जब तक ये रूम टेम्परेचर पे आ जाती हैं और बेसन सेट हो जाता है। फिर हम चलेंगे अपने लास्ट एंड फाइनल स्टेप पे। बेसन अच्छे से सेट हो चुका है, अब हम इसे काट लेते हैं। इसे ऐसे हॉरिजॉन्टली काट लीजिए, फिर हम इसे करेंगे रोल। इसी तरीके से आप बाकी की भी खांडवी को तैयार कर लीजिए।
प्लेन खांड भी तैयार है। अब इसे चटपटा बनाते हैं हमारे तड़के के साथ। तड़के के लिए मैंने एक पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून राई। राई तड़क रही है, अब इसमें मैं डालूंगी 1/2 टीस्पून सेसमे सीड्स यानी सफेद तिल, 1 चुटकी हींग और 2 हरी मिर्चें जिनको ऐसे मैंने स्लिट कर लिया है। तड़का तैयार है, अब हम इसे डालेंगे अपनी खांडवी के ऊपर। अब इसे गार्निश करेंगे थोड़े से ग्रेटेड कोकोनट के साथ और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और हमारी खांड भी तैयार है। हमारी आज की गुजराती खांडवी की रेसिपी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दी गई बेल बटन को भी जरूर दबाएं ताकि आने वाली रेसिपीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।